नमस्कार दोस्तों, ये है यूपीएस स्पेशल का पांचवा लेक्चर और इस लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश राज्य की नाम और राज्य चिन्ह तथा राजधानी के विषय में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रदेश का नाम, चिन्ह और राजधानी की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं प्रदेश के नाम की। तो जो प्रदेश का नाम है ये 1836 से इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर 1877 से इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध। फिर 1902 से इसका नाम हो गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। फिर आता 1937, तो 1937 से इसका नाम केवल संयुक्त प्रांत, ठीक है। फिर वो घड़ी आ गई 24 जनवरी 1950। हाँ, तो 24 जनवरी 1950 से इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। राजधानी की बात करें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी का जो नाम है या उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी राजधानी कब कब रही है, तो 1836 से आगरा रही है, 1836 से आगरा, 1858 से प्रयागराज, 1920 से लखनऊ, 1920 में लखनऊ हुई थी ये आंशिक रूप से थी, आंशिक। फिर 1935 से लखनऊ पूर्णता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। राज्य का पुनर्गठन तो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 और इसके 13 जिलों को काटकर 13 जिले काटकर उत्तराखंड बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो यहाँ पे राजकीय भाषा की बात करें तो जो प्रथम राजकीय भाषा थी, इसकी अक्टूबर 1947 से हिंदी, और इसकी जो लिपि रहेगी वो
देवनागरी रहेगी। तो ये जो है प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा हुई थी अक्टूबर 1947 में, और हिंदी रहेगी और लिपि देवनागरी रहेगी। लेकिन अगर बात करें कि जो प्रथम राजकीय भाषा, सभी कार्यालयों में अनिवार्य, कर दी गई, ये अनिवार्य हुई थी 26 जनवरी 1968 से, 26 जनवरी 1968 से। अब देखो द्वितीय राजकीय भाषा, का दर्जा किस भाषा को मिला? तो ये मिला उर्दू को। फिर अब देखिए इसका राजकीय पशु, तो जो राजकीय पशु है यहाँ पे आप देख रहे हैं राजकीय पशु, तो ये राजकीय पशु इसको कहते हैं बारहसिंघा। ये है आपका बारहसिंघा। और राजकीय पक्षी इसको बोलते हैं सारस अथवा क्राउच, सारस या इसको क्राउच बोलते हैं, ठीक है। राजकीय वृक्ष, इसका क्या है? ये है आपका अशोक का वृक्ष, ये अशोक का वृक्ष है। राजकीय पुष्प जो है ये प्लास या टेसू, प्लास या टेसू, इसी को ढाक या छूल बोलते हैं। और ये जो है 4 जनवरी 2011 से बना हुआ है। राजकीय जो खेल है वो है हॉकी, ठीक है। और राजकीय चिन्ह है, तो राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में दो मछली तथा एक तीर धनुष। और ये जो है 1938 से स्वीकृत है, ठीक है। इसमें क्या है? एक वृत्त में दो मछली और एक तीर धनुष। तो अगले वीडियो में हम जो है प्रदेश के प्रशासनिक और शासनिक संरचना के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा रहा। अच्छा रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और हमारे चैनल पर जो नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।